अरे अगर शेर बूढ़ा हो जाए तो बब्बर शेर बन जाता है, घास थोड़ी ना खाता है। अरे आज भी लोग मेरे नाम से कांपते हैं। आ रहा हूँ तेरे पास आज दिन में, फिर देखता हूँ कि तू असल में शेर है या मिट्टी का ढेर है। मुझे क्या पता था ये हाथ धमकेगा है, मेरी हालत देखेगा तो हंसेगा। अब बताओ जगदम्बे के सामने भीगी बिल्ली और दमादों के सामने चूहे से भी गई बिजरी है, पन्ना लाल तेरा क्या होगा है? देखो जब तक आपके दोस्त आएंगे ना, उनके आने के बाद आप नानी जी से कोई भी बात कहोगे ना तो आपको जवाब मिलेगा हाँ जी, लेकिन एक बात है उसमें। लेकिन क्या बात है? ओहो नाना जी, आप इतनी बड़ी हिमाकत करने जा रहे हो हैं, नानी जी पर हुकुम चलाने जा रहे हो, तो उसकी कोई तो सीमा होगी ना है? बदकिस्मती से आपकी किस्मत में ऐसा सौभाग्य सिर्फ चार बार आएगा। कोई बात नहीं, अगर इतना भी हो गया ना तो बहुत इज्जत बच जाएगी मेरी। जाओ और पन्नू को बुलाओ। पन्नू? पन्ना लाल गुप्ता जो इस घर का मालिक है। ये तो शक्तिशाली निवास, शक्तिशाली लोग रहते हैं इस घर में, और इस घर के मालिक हैं श्री श्री पन्ना लाल गुप्ता जी। आइए आइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आइए आइए आइए। हाँ पन्नू, कैसे हो? बहुत बढ़िया। पन्नू भाभी जी नजर नहीं आती? मुझे तो लगता है तुम्हारा उस पर कोई जोर नहीं चलता। क्या बात कर रहे हो? बुलाओ बुलाओ, देखिए कहाँ है। जगदम्बे, अब जगदम्बे बाहर आओ। आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। हाँ, माफ कीजिए आने में थोड़ा देर हो गई। भाई मेरे घर में तो मेरी शकुंतला मेहमान के स्वागत के लिए सबसे पहले आती है। हाँ हम आपके लिए नाश्ता बनवा रहे थे। बलिलाल जी मालकिन, मैं समझ गया और आ भी गया। बलिलाल समझ गया। मैं पकड़ लेता हूँ। ये लीजिए आप, ये लगाइए। धन्यवाद। भाई पन्नू, ये दोनों तो बड़े ही भाभी भक्त हैं। अजी बस। नहीं, ये सब मेरे हुक्म का पालन कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा है कि जगदम्बे का पूरा ख्याल रखना। मेरी शकुंतला भी मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। अच्छा? हाँ। अरे उसके कमर में कितना भी दर्द क्यों ना हो, एक आवाज दूंगा ना दौड़ के चली आती है। हाँ। अच्छा साथ क्यों नहीं लाए उन्हें? वो कपड़े धो रही थी। अब घर नहीं दिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, घर दिखाएंगे ना। जगदम्बे चाय दोबारा गर्म करके लेके आओ। हाँ जी। वो बेटे की जान, पहला हाँ जी तो हो गया नाना जी, अब बचे सिर्फ तीन। कैसा लगा, अच्छा लगा ना मकान? बैठिए बैठिए, ठीक है मैं कुछ लेके आता हूँ। अरे इतनी देर लगती है चाय छानने में? तुम्हें जानती हो ना कि अगर देर हो जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ जी। हाँ तो जल्दी लेके आओ चाय, जल्दी, देर मत लगाया करो बिल्कुल भी। लीजिए भाई साहब। नहीं चाय का मन नहीं है, अब सीधे खाना ही खाएंगे। आप क्या क्या बनाना जानती हैं? नानी जी हमारे होते हुए कैसे खाना बना सकती हैं? हम सब लोग मदद करेंगे, हम बना लेंगे। अरे बेटा अब तो मैं भाभी जी के हाथ का बना ही खाना खाऊंगा। जगदम्बे जाओ खाने की तैयारी करो। हाँ जी। जब खाना बन जाए तो मुझे उठा देना, तब तक थोड़ी झपकी मार लेता हूँ। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। डॉली बेटा। हाँ? जाओ इनको गेस्ट रूम में ले जाओ। जी आइए। हाँ आइए आइए, आराम कर लीजिए।
ये कमाल है सारा केसरिया पेड़ों का। आपने बात की थी ना महाराज बनारसीदास से फोन पर, उसी का फायदा उठाया मैंने और फटाक से नानी जी को एक शर्त रख दी। नानी जी, अगर बनारसीदास जी पेड़े बनाने के लिए आ गए तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, और अगर नहीं आए ना तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। पूरे घर की सफाई कराएंगे हम। मंजूर है नानी जी, फिलहाल आप महाराज जी से बात कीजिए, लाइन पर है वो, पूछिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बात बात अब आ रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब कि केसर पेड़े वाला ऑर्डर पूरा कर पाएंगे हम। अरे रे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, राधे राधे। नानी जी की जय हो। तो नानी जी, मेरी शर्त ये है कि नानी जी आपको नाना जी की चार बातें माननी होंगी और उनकी हर बात के जवाब में आपको हां जी कहना होगा चार बार। नानी जी फटाक से मान गई। कितना सहाया जगदम्बे ने मेरे लिए, मुझे अपनी पत्नी को छोटा दिखाकर ये झूठी झूठी इज्जत नहीं लेनी। मैं जाके अभी जगदम्बे से माफी मांग लेता हूं। वो बेटे की जान, मुझे नहीं पता था पहले कि सच बोलने का ये असर होगा, वरना पहले ही बोल देता। कहाँ है वो? मुझे पता है, इधर ही आए हुए हैं। अरे उन्हें तो घर से भागने का बहाना चाहिए। अरे कहाँ हो, बाहर आ जाओ। यही है वो, मुझे पता है। एक मिनट, किसे ढूंढ रही है? नाम तो बताइए। उनका नाम बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वो है भगवान 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 तुम। ये अरे बहन जी, जन्माष्टमी आ रही है, मैंने उनको बोला घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो वरना खाना नहीं मिलेगा, बस हो गए उड़न चुक। अब घर चलोगे कि यहाँ ही मैं तुम्हारा कीर्तन करती रहूं? थोड़ा इज्जत का तो ख्याल करो ना। बस चुप करो। शेर की खाल निकाली नहीं कि अंदर से निकला अजाब गजाब